हेलो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड आप लोग के सामने लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन इनकम बेस्ड है, मतलब आय से संबंधित प्रश्न है, जिससे पूछता है क्वेश्चन में, ज्यादातर पूछता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग पास करवा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दो व्यक्ति ए और बी जिनके आय में 3:2 का अनुपात है और उनके खर्च में 5:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया हो तो बी की आय बताइए। तो बी की आय बताइए दोस्तों। इसको देखते हैं पहले बेसिक से, जो लोग आपको सिखाते हैं तरीका जो ओल्ड हो चुका है, आप भी देख लेंगे कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि अगर ए की आय 3x है तो बी की आय 2x। अब बताइए दोस्तों कि अगर ए 3x कमाता है और 1,000 बचाता है तो कितना खर्च करता होगा, तो 3x-1,000। इसी प्रकार अगर बी 2x कमाता है और 1,000 बचाता है तो कितना खर्च करता होगा, 2x-1,000, जबकि इनका अनुपात दे रखा है 5:3। आप देखेंगे क्रॉस करेंगे तो 5 × 10x, 5 × 1,000 तो 5,000 इक्वल टू 3×9x और -3,000। 10x में से 9x जाएगा तो x आएगा और 5 में 3 जाएगा तो 2,000 यहां बचेगा। x का मान 2,000, तो अगर आपसे पूछेगा a की आय तो a का मान 2x, तो ये x का मान 2x के बराबर होगा, 2 × 2,000 दैट इज 4,000। अगर आपसे पूछता है ए क्या, तो 3 से गुना करते तो 6,000। लेकिन दोस्तों ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है, इससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तरीका ये है दोस्तों कि ए का और बी का जो इनकम का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:2 और इनके जो खर्च का अनुपात है ये है 5:3। अब देखिए ऐसा हुआ क्या कि 3 कमाएगा और 5 खर्च करेगा, दैट मीन्स ये अनुपात उल्टा है। तो आप देखेंगे कि 5 और 3 में कितने का गैप है, 2 का, और 3 और 2 में कितने का गैप है, 1 का। तो आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं कि ये गैप से कहां गुना करते हैं, इस गैप से यहां गुना करेंगे तो ये बनेगा 2×3=6 और 2×2=4, 1 से गुना करेंगे तो ये 5 होगी 3। अब आप देख पाएंगे कि ए अगर 6 कमाता है तो बी 4, ए अगर 5 खर्च करता है तो बी 3। आप बताइए 6 कमाएगा 5 खर्च करेगा तो कितना बचेगा ये, यहाँ बी भी 4 कमाएगा और 3 खर्च करेगा तो कितना बचेगा ये, यानी कि दोनों की जो सेविंग है वो बराबर है, यानी कि 1 है। और प्रश्न का है कि इनकी सेविंग है 1,000, 1 का मान 1,000। अगर आपसे बी क्या पूछा है तो बी का मान कितना है, 4, तो 4 का मान होगा 4,000। अगर ए का पूछता तो ए का मान 6, तो होता 6,000। और इस प्रकार आपसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए दोस्तों तो ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है तो बी की मासिक आय कितनी है। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के सेल पैटर्न के सवाल आपके प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं और बनाने का तरीका भी सेम ही होगा दोस्तों। तो देखिए ए और बी की आय का अनुपात 2:1 और इनके ई इनकम का है और इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्च का जो अनुपात है वो है 5:3 और इनका सेविंग है दोस्तों 4:1 के अनुपात में, यानी कि ए अगर 4 बचाता है और तो बी 1, यानी कुल बचत है इनकी 5, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 5,000, तो 1 का मान होगा 1,000, यानी कि ए की बचत होगी 4,000 और बी की बचत होगी 1,000। ए की बचत 4,000 और बी की बचत 1,000। अब बिल्कुल सिंपल है, आपको ये 2:1 में गुना करना है और फिर अंतिम के 2:1 में गुना करके आपको अंतर लेना है। 3×2=6 और 1×5 यानी कि 1 का अंतर, 2×3=6 और 1×5, 6 में से 5 गया तो यहां से 5, 3×4=12,000 और 5×1=5,000, अंतर है 7,000।
तो एक का मान हुआ 7000। अगर आपसे क्या पूछा कि बी की मासिक आय कितनी है, तो बी की आय 1 और 1 का मान 7000 रुपया, तो ये आपका हुआ उत्तर। चलते हैं फिर प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ये है मतलब क्वेश्चन बनने लायक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन व्यक्ति जिनकी आय 3:4:5 के अनुपात में और इनके खर्च में 5:4:3 का अनुपात है, यदि ये 9000, यदि ये नहीं यदि ए 9000 रुपये की आय में से 2000 रुपये की बचत करता है तो उनके बचत का अनुपात बताइए। ए कितना 9000 रुपये में से 2000 रुपया बचत है। पहले तो आप इनका इनकम लें, ए बी और सी का क्या है 3, 4, 5, जबकि ए का इनकम 3 है, वहां बोला है 9000, यानी कि 3 का मान हो गया 9000, तो एक का मान 3000, यानी कि एक का इनकम अगर है 9000 तो बी का 4 = 12000 और सी का 5 = 15000। ये हो गया ए बी सी का आय। आप बताइए कि इनका ए जो है 9000 में से 2000 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा दोस्तों 7000, जबकि ए यहां पे खर्च कितना करता है दोस्तों 5 = 3, यानी कि ए का खर्च है 5 का मान 7, तो एक का मान 14 = 5 = 70, यानी कि 1400, यानी कि ए का जो खर्च है वो कितना है दोस्तों 7000, एक का मान बना तो जब एक का मान 1400 तो 4 का मान कितना होगा 1456, यानी कि इसका जो खर्च है वो 5600 है और इसका खर्च 3 है, तो ये 1442। अब बताइए दोस्तों कि ये 9000 कमाता है, 7000 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 2000, और बोल रहा है कि 2000 बचाता है। अब ये 12000 में से 5600 खर्च करता है तो कितना बचता होगा 6 × 6 = 12000, यानी कि 6400। अब ये 15000 में से 4200 खर्चा करता है तो इसका सेविंग कितना होगा 11000, यानी कि 10800। बस ये अनुपात आ गया, 800 अनुपात है, ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट हो गया। अब ये कटेगा कितने बार में 4 × 5 = 20, 16 × 4 = 64 और ये 2700 के 108, तो ये हो गया इसके बचत का अनुपात 5:16:7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ष पहले राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:3, राम और गोपाल यानी राम का 5 तो गोपाल का 3, ये कब है एक वर्ष पहले, उनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन, पिछले वर्ष और इस वर्ष यानी एक वर्ष पहले और वर्तमान का अनुपात 1:3 और 3:5, यानी कि राम का व्यक्तिगत ये है और गोपाल का व्यक्तिगत ये है। यदि दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42000 रुपया हो तो राम का वर्तमान वेतन क्या होगा। ये है राम और ये है गोपाल। राम का एक वर्ष पहले का जो अनुपात है वो 5:3, जबकि अभी कहा गया है कि राम का एक वर्ष पहले और वर्तमान का अनुपात है 1:3, यानी कि यहां पे कहा गया है कि एक वर्ष पहले 1 है जबकि यहां पे कहा गया 5, यानी कि जब 1 का मान 5 तो 3 का मान 15, यानी कि राम का जो वर्तमान जो वेतन है वो हो जाएगा 15। फिर से बोलते हैं, एक वर्ष पहले जो है यहां पे राम का 5 है जबकि यहां पे एक वर्ष पहले 1 है, जब 1 का मान 5 है तो 3 का मान 15 हो जाएगा। इसी तरह से गोपाल का जो यहां पे एक वर्ष पहले का जो आय है वो 3 है और यहां पे एक वर्ष पहले का 3 है, 3 का मान 3 है तो मतलब वर्तमान 5 है, तो 5 का मान 5 होगा। इस प्रकार राम का वर्तमान 15 और गोपाल का वर्तमान 5, यानी कुल मिला के इनका इनकम है 20, जबकि क्वेश्चन दे रहा तो 1 का मान होगा दोस्तों 2100। तो पूछा क्या है कि राम का वर्तमान कितना है, तो वर्तमान कितना है 15, जब 1 का मान 2100 तो 15 का मान
15 गुने 2100, तो 15 एकम 15 मान 30 और 31,500 रुपया उत्तर हुआ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है। क्वेश्चन बनने का बहुत इजी तरीका है जो आपको मैं सिखाऊंगा, और बस आज यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगला वीडियो में ढेर सारा क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। आज किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गर्मी भी है, सो कल करते हैं दोस्तों। ओके बाय टाटा।